नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक यूनिक वेज स्नैक्स की रेसिपी लेके। इसका नाम है सोया कबाब स्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने सोयाबीन पहले भिंगा के रखी थी पानी में, थोड़ा सा नमक डाल के 1 घंटे के लिए, और मैंने 150 ग्राम सोयाबीन लिया। फिर ये जो सोयाबीन है इसको मिक्सिंग जार में डाल के एक एक करके मैं डाल देती हूँ। इसमें अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून करके, नमक स्वाद अनुसार, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर वे भी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये जो सारे मिक्सचर है मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ और एक दरदरा सा पेस्ट में बना लेती हूँ। और जब मैं ब्लेंड करती हूँ तब मैं इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करती। फिर ये मिक्सर को एक अलग बोल में डाल के फिर मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप किया हुआ अनियन। मैंने इधर एक छोटा साइज का अनियन लिया, फिर चॉप किया हुआ ग्रीन चिली से अपने हिसाब से आप जितना तीखा पाते हो उतना यूज़ कीजिए। फिर चॉप किया हुआ इसमें डाल देती हूँ कुरिएंडर लीव यानी धनिया पत्ता, और सारे जो मिक्सर है इसको बाइंडिंग अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें डाल देती हूँ बेसन। मैंने इधर 1 से 2 टेबल स्पून बेसन यूज़ किया और अच्छी तरह से मैं सारे जो मिक्सचर उसको मैं मिला लेती हूँ। फिर एक कबाब स्टिक को सीजनिंग कर लेती हूँ रिफाइंड ऑयल के साथ, और थोड़ा सा पोर्शन मैंने सोयाबीन की लेके ये स्टिक के अंदर डाल के मैं कबाब की शेप कर लेती हूँ। देखिए कबाब स्टिक जो है वो बनके रेडी है। ऐसे करके मैं सारे जो सोयाबीन की मिक्सचर है मैं कबाब स्टिक बना लेती हूँ। अब एक पैन में मैं रिफाइंड ऑयल गरम करके बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे सारे जो कबाब स्टिक है इसको मैं डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। मैंने इधर सेलो फ्राई किया, अगर आप चाहो तो ओवन में भी बेक कर सकते हो। जब बोथ साइड ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसको निकाल के गर्मा गर्म सर्व करती हूँ शाम के टाइम पे नाश्ते में। अगर आप मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक बाय एंड टेक केयर।